जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत कुम्हार मोहल्ले में एक व्यक्ति घर पर ही अहाता खोलकर लोगों को शराब पिलाया करता था, जिसकी सूचना पर गोरखपुर थाना पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो भारी मात्रा में देसी शराब की बोतलें मिली। हालांकि मुख्य आरोपी कैलाश कुम्हार मौके से भागने में जरूर कामयाब हो गया, पर उसका साथी पप्पू कोरी पुलिस गिरफ्त में आ गया। गोरखपुर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुम्हार मोहल्ले में एक युवक जिसका नाम कैलाश कुम्हार है, वह स्वयं के घर पर अवैध रूप से अहाता संचालित कर रहा है। मौके पर जब दबिश दी गई तो पप्पू कोरी निवासी खेरमई मंदिर के पास मौके पर शराब देते हुए मिला। उसके कब्जे से देसी मदिरा मसाला एवं देसी मदिरा प्लेन के खाली एवं भरे हुए पाव डिस्पोजल एवं कांच के ग्लास बिक्री की रकम जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए पप्पू कोरी ने बताया कि कैलाश के कहने पर वह अवैध अहाता संचालित कर रहा था, जिसके लिए उसे प्रतिदिन 300 रुपए मिला करते थे। कार्यवाही गोरखपुर थाना प्रभारी SP बघेल के निर्देश पर उप निरीक्षक शेष नारायण दुबे, प्रधान आरक्षक अच्छे लाल झारिया, आरक्षक मनोज उपाध्याय, सत्यनारायण ठाकुर के द्वारा मौके पर जाकर की गई। दबिश के दौरान कैलाश कुम्हार भाग गया। पुलिस ने आरोपी कैलाश कुम्हार एवं पप्पू कोरी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम धारा 34, 36, 42 के तहत प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कैलाश बिकवा रहा था, क्या देता है बिकवाने के बदले, क्या देता है बेचने के बदले? कितना मिलता है? 300 रुपए मिलता है। 300 रुपए ही देता है।